हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं कुछ अनोखा ही करने जा रही हूँ जो मेरे घर पे कभी भी नहीं हुआ, आज तक की लाइफ में नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज कुछ थोड़ी पार्टी कर लेनी चाहिए। तो देखिए, मैं कुछ नया ही करने जा रही हूँ। इस तरह से कुछ प्याज कट कर रही थी, हो भी नहीं पा रहा था मुझसे, लेकिन मम्मी ने मुझे मिक्सर नहीं दिया, तो फिर मैंने चलो मैं ऐसे कुछ कर लेती हूँ। सॉरी। देखिए, यहाँ पर चूल्हा बनाने की, जलाने की, पता नहीं किस चीज़ की तैयारी हो रही है। सारी चीज़ें भी निकाल के रखी हुई है, मसाले सारे के सारे रख रखे। बहुत ही यम्मी सा चिकन, ये मसाला, ऑयल, ये लाल मिर्च पाउडर, धनिया, ये मैंने भी मेहनत करके प्याज बारीक किया था। आग लग चुकी है अब चूल्हे में। देखिए, सीताफल भी खाया जा रहा है साथ साथ। ये डाला तेल, गर्म हो जाएगा तेल। उसके बाद फिर जीरा और तेज पत्ता, ये सब डाला जाएगा उसमें। देखिए, चूल्हा फूकने में कितना मज़ा आता होगा ना, बहुत ही लग रहा है देख करके। देखो, मोलू का था, वेट कर रहा है कि और कब दोगे मुझे दीदी, जल्दी बना कर दे दो, भूख लगी है। ये गया प्याज। मतलब मैंने सुना था कि चूल्हे पे चिकन बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। लकड़ी ढूंढने के कोशिश। तो ये मसाला पकता हुआ हमारा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी चिकन बनेगा, बहुत ही टेस्टी। ये मसाले के इसमें ये पानी। इटली गाइस, बहुत ही टेस्टी चिकन बना था, तो खाकर इतना मज़ा आया ना, बहुत। मतलब फर्स्ट टाइम हमारे घर पे ऐसा कुछ चिकन बना था, कभी आज तक नहीं बना। तो पानी से डाल तो बढ़िया आराम से पकेगा, और शायद अब बन सकता है कभी अगर चाहे तो। वैसे ये मम्मी ने तो अलाउ कर दिया था, पापा ने भी अलाउ कर दिया था कि हाँ ठीक है बना लो, पर कहा था कि मोलू को ज़रूर खिलाना। देखो, मोलू के तो मज़े है, दीदी पार्टी कराएगी आज। मोलू तो बहुत खुश, देखो उसके मुँह में पानी आ रहा, चुपचाप बैठा है एकदम, अगर आवाज़ की है नहीं, 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 दे दो ऐसे प्लेट ढकने के लिए दी थी मैंने। कॉमन सेंस ब्लर कर दिया था, पता नहीं क्या ब्लर कर दिया था, पता नहीं। देखो मसाला कितने अच्छे से पक गया है, देखो सब, वाओ वाओ वाओ। देखिए बहुत क्या कर दिया, कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे, मतलब कुछ नया ही हो गया। रोटी भी तो बना ले क्या? कभी भी नहीं होता ये चीज़ें, कभी भी पॉसिबल नहीं थी, बन जाएगी क्योंकि हमारे घर पे कोई भी नहीं खाते, पापा मम्मी भैया सबके सब वेजिटेरियन है, मुझे छोड़ कर दो पिन लगेगी, दो मुझे और मेरे पति को छोड़ करके सबके सब वेजिटेरियन लोग हैं। और एक हमारा मोलू भी हमारे साथ खाता है, वो भी, उसने भी फर्स्ट टाइम ही खाया, वो भी कभी नहीं खाता। पापा जी खाएंगे? देखिए थोड़ा सा, कितना प्यारा चिकन। मतलब मुझे, मैंने सुना था कि चूल्हे पे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं कुछ ऐसा होता है। कि चूल्हा तो था नहीं, ऐसी कुछ ईट वीट उठा के लाई। मम्मी अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ कर रही है, बढ़िया, वो अपना आराम से अपना काम कर रही है। उन्हें कहा कि तुम अपना इधर बनाते रहो, बनाओ और खाओ, क्योंकि वो तो खाते ही नहीं, तो फिर बनाएंगे क्यों वो।
मैं हमें तो सब चीज़ें बाहर दे दी थी। ये देखिए मैं रोटी कुक कर रही हूँ ऐसे हाथ से। आप लोग का आती है क्या मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ऐसे रोटी बना लेते हो क्या? अच्छा बना लेते प्लीज़ मुझे बताना। देखिए मैंने कितनी मेहनत करके रोटियाँ बनाई थी ना, नीचे बैठ करके फिर ऐसे हाथ से। मेरा कुछ ना अलग ही चल रहा था, मतलब मुझे कुछ नया ही करने का मन कर रहा था कि यार मैं भी थोड़ा अपना ऐसा मतलब परफॉर्मेंस दे दूँ आप लोगों के सामने कि मैं भी थोड़ा कुछ ऐसा कर लेती हूँ, तो मैंने कर लिया। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताना मुझे ज़रूर कमेंट करके ना, मुझे अच्छा लगेगा। ये फिर मेरी अगली रोटी, चिंता लाना। ऐसे करके हमने बाहरी रोटी भी बनाई, हमने बाहरी अपना चिकन भी बनाया और बाहरी खाया और बस। ये देखो रोटी सिक रही है, मज़ा आ रहा था यार उस दिन तो, अच्छी पार्टी हो गई। मतलब घर में जब तक कि जगह खुली नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आता। कि मेरी किस्मत में तो ऐसा नहीं है, खैर ठीक है मैं अपने घर जाकर ही खा सकती हूँ जब भी मुझे ऐसा कुछ खाना हो तो, है ना गाइस? पड़ीज पार्टी 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 करेंगे, पार्टी कर ली हमने। एक्चुअली पापा के बर्थडे का प्लान था लेकिन बस थोड़ा सम रीजंस नहीं हो पाया, कुछ पापा के हेल्थ इश्यूज हो गए थे इसलिए हम लोग नहीं कर पाए, तो बस हम लोग ने बाद में कर लिया जब पापा ठीक हो गए तब हम लोग ने पार्टी कर ली। लेकिन पार्टी तो की ना रेज वाली पार्टी तो हमेशा करते रहते हैं, तो रोज़ ही ये मतलब कि रोज़ ही होती रहती है रेज पार्टी। इस बार थोड़ा कुछ अलग नॉनवेज वाली पार्टी करने का मन था क्योंकि मैं खाती हूँ ना, सबको पता है, और अब तो जिसको नहीं पता उसको भी पता हो जाएगा कि मैं खाती हूँ। तो कितना अच्छा है ना गाइस, थोड़ा मुझे बताना ना कि कैसे मतलब कैसा लग रहा है आपको देख करके कि मैं इतना काम कर रही हूँ, तो मतलब कैसी फीलिंग आ रही है मन में। देखिए बनकर तैयार, प्लेट भी लग गई, कितनी सारी रोटियाँ बनाई मैंने, ठीक हो खाने भी बैठ गई अभी पति देव। दोस्तों पसंद आया मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना।